हरिओम बच्चों, आज हम जानेंगे पवित्र नदी गंगा के बारे में। ऑनलाइन बाल संस्कार प्रस्तुत करता है गंगा दशहरा पर एक छोटी सी प्रस्तुत। गंगा जल हमारे घरों में पूजा एवं धार्मिक कार्यक्रमों में उपयोग होने वाला पवित्र जल, जो सालों किसी एक डिब्बे में रखा होता है परंतु खराब नहीं होता। मरते समय लोगों के मुख में गंगा जल डाला जाता है ताकि मरने के समय और मरने के बाद उसे कोई दुख न भोगना पड़े। जीवित ही नहीं अपितु मृत व्यक्ति की अस्थियों को भी गंगा में अगर प्रवाहित किया जाए तो उनकी भी सद्गति होती है। पापनाशिनी और पुण्यदायिनी इस गंगा में स्नान करने जहाँ लाखों लोग आते हैं, आइए आपको भी वहीं ले चलती है हमारी गंगा मैया। और हम पहुँचे हैं ऋषिकेश में, और यहीं से हमें पता चलेगा कि क्या है हमारे गंगा मैया का जादू। तो बच्चों, गंगा मैया का इतना महत्व क्यों है मैं बताऊं? 2500 किलोमीटर की लंबाई, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में पूरे भारत में होते हुए बहती है, जिससे भारत की एक तिहाई जनसंख्या को भोजन और रोजगार मिल सके। 30 शहरों को लाभान्वित करते हुए, 70 नगरों से होते हुए और 1000 से ज़्यादा गांवों का पालन पोषण करती है। और हमारे देश में पालन करने वाली माँ ही तो कही जाती है। कि इस महानता के पीछे क्या विज्ञान है? हम तो इन्हें माँ कहते हैं, परंतु विदेशों में भी विज्ञान ने गंगा को इतना पवित्र क्यों घोषित किया है? गंगा में एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है जिससे मनुष्य को कोई नुकसान नहीं होता, परंतु वह इस बैक्टीरिया के कारण गंगा का जल पीने के लायक बन जाता है। यदि आप गंगा जल को घर के पानी में मिलाकर रखेंगे तो कोई भी पानी पीने योग्य बन जाएगा। और भारत में यह खोज बहुत पुरानी है। गंगा नदी 15 गुना तेजी से किसी भी वस्तु को विकृत करती है। गंगा की नदी में 25 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, इसी की वजह से गंगा स्वयं को स्वच्छ रख पाती है। ये जादू नहीं तो और क्या है? कहा जाता है गंगा नदी पहले स्वर्ग में बहा करती थी, परंतु भगीरथ नाम के राजा ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि गंगा नदी को धरती पर लाया जाए। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि संतान का तेरा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा, किंतु देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित नहीं हो सकती। होने में एक समस्या है, क्योंकि जब गंगा जी वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। गंगा जी के वेग को संभालने की क्षमता देवाधिदेव महादेव जी के अतिरिक्त किसी में भी नहीं है, इसलिए तुम्हें महादेव जी की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करना होगा। भगीरथ ने तपस्या करके शिव जी से प्रार्थना की कि वे गंगा मैया को अपनी जटाओं में स्थान दे। तो शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में स्थान देते हुए गंगोत्री से प्रवाहित हुई, और जहाँ जहाँ भगीरथ चले उनके पीछे पीछे गंगा की धार चलती गई। जहाँ जहाँ पे गंगा मैया चलती गई वहाँ वहाँ पे देव ऋषि लोग शांति पाते गए, शुद्धता को प्राप्त हुए, उनके पाप ताप सब नष्ट हुए। राजा भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ, और इसीलिए गंगा का एक नाम भगीरथी भी है और उन्हें जाह्नवी भी कहा जाता है। परंतु वर्तमान समय में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, कल कारखाने और उनसे निकलने वाली गंदगी के कारण गंगा का स्वरूप बदलता जा रहा है। गंगा अपने को स्वयं प्योरीफाई करने में असमर्थ हो रही है। ऋषिकेश से निकलती हुई शुद्ध गंगा वाराणसी में जाते तक अशुद्ध हो जाती है। कहते हैं 30 साल में गंगा का प्रवाह आधा और हमारी जनसंख्या 3 गुनी बढ़ जाएगी। तो इस गंगा दशहरा पर हम सभी संकल्प करें कि जैसे गंगा संपूर्ण समाज की निस्वार्थ सेवा करती है, ऐसे ही हम भी समाज की निस्वार्थ सेवा करेंगे और गंगा को स्वच्छ करने का हर संभव प्रयास करेंगे। जय गंगा मैया।